हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वी द बेस्ट डॉक्टर में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीबीसी रिपोर्ट्स के बारे में। सीबीसी रिपोर्ट्स नॉर्मल क्या होती है और किन किन बीमारियों में सीबीसी रिपोर्ट्स हम करा सकते हैं, सीबीसी रिपोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, या सीबीसी रिपोर्ट्स को किस नाम से और जानते हैं, या फिर आप घर पर अगर करा लेते हैं सीबीसी रिपोर्ट्स, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सीबीसी रिपोर्ट दे दिया है, तो आप किस तरह से इस सीबीसी रिपोर्ट्स का जो आंसर है, जो आपको एक्यूरेट जो जानकारी है, वो किस तरह से आप घर पर देख सकते हैं। चलिए, मेरे पास सीबीसी रिपोर्ट्स हैं और आज इन सीबीसी रिपोर्ट्स में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आपको सीबीसी रिपोर्ट्स देखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीसी रिपोर्ट्स है क्या। देखिए, सीबीसी रिपोर्ट्स आपकी इसका फुल नेम जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि जो आपके ब्लड में सेल्स हैं सारी की सारी, जितनी भी सेल्स हैं उनका टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट करना है हमें, कि सेल्स कौन सी सेल्स कितनी बड़ी हुई है, कितनी कम है, अगर कोई सी सेल स्पेशली बड़ी है तो कौन सी बीमारी होगी या नहीं होगी। चलिए, आज जान लेते हैं इस टॉपिक के विषय में, इस वीडियो में। चलिए तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, सीबीसी रिपोर्ट्स आपको लेनी है और सीबीसी रिपोर्ट्स में आपको सबसे पहले देखना ये है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन आपका होता कहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो सबसे पहले की जो रीडिंग आएगी सीबीसी रिपोर्ट में, सबसे पहले जो आएगा वो हीमोग्लोबिन ही आता है। हीमोग्लोबिन को आप या जो लेबोरेटरीज वाले होते हैं वो HB लिखते हैं, HB भी लिखते हैं, HB, और उसके बाद में फुल फॉर्म जो लिखते हैं तो वो हीमोग्लोबिन लिख देते हैं। अब इसका बॉडी में होना क्या चाहिए, देखें, हीमोग्लोबिन एडल्ट्स मेल और फीमेल एडल्ट्स में दोनों में अंतर होता है। एक्चुअली होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब फीमेल्स को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, या ब्लीडिंग जो नॉर्मल फिनोमेना होता है, तो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर उनका ब्लड क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमेशा लेडीज़ जो वुमेन्स फीमेल्स होती है उनमें ब्लड की कमी रहती है और मेल्स के बजाय उनमें कम रहता है। तो आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या देखनी है, देखिए आपको नॉर्मल वैल्यू नॉर्मली अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं रख सकते तो जो रेफरेंस आता है नॉर्मल वैल्यू या फिर नॉर्मल रेफरेंस आता है, आपको जस्ट उसी के सामने आपको मेल्स और फीमेल्स में देख लेनी है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम आता है, इसका मतलब ये है कि उसको खून की कमी है, और अगर 7 या 6 से कम आता है तो उसको इमिडिएटली खून की बोतल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या खून की बोतल हमें चढ़ानी रहती है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 13-14 से ऊपर आता है, वह भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, क्योंकि वो पॉलीसाइथेमिया में पेशेंट चला जाता है। आप ये ना समझें कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है तो आप बहुत हेल्दी हैं, नहीं, आपको बार बार या डॉक्टर से सलाह लेकर के आपको कंसल्ट करना है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं मेरी 13 से ऊपर जो ब्लड आ रहा है वो गलत है या सही है। अगर सही है 13 से ऊपर तो आपको प्रॉपर आपको डॉक्टर के सलाह के साथ चलना है। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी रिपोर्ट से क्या आती है, TLC का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि जो आपके WBCs हैं, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की जो वैल्यू होती है 4000 से 11000 के बीच में होती है, इसके आसपास ही रहनी चाहिए, 4000 से 11000 के आसपास रहनी चाहिए। अब हम इसमें अगर सीबीसी रिपोर्ट्स में देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे, ये लिखा है WBC और ये अभी इस पेशेंट की 3000 हैं, 3900 हैं, 3900 हैं। अब इसके आगे चलते हैं हम तो इस साइड में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब वो होता क्या है, जब कभी किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो WBCs बढ़ती हैं, और अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो WBCs कम हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं DLC, ये डिफरेंशियल सेल्स काउंट होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके मोनोसिट्स हैं, लिम्फोसिट्स हैं, और इसोनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आपके 5 तरह की सेल्स इसके अंदर आ जाती हैं DLC के अंदर। अब हम अगर इसके नॉर्मल वैल्यूज़ देखें तो किस तरीके से देखेंगे, देखिए
जो आपकी WBCs पॉलीमॉर्फ यानी कि जो लिम्फोसिट्स हैं, आपको लिम्फोसिट्स आपकी 20 से 60 50 से 60 के बीच में रहना चाहिए नॉर्मली। कई कई में ये जो लैब के रेफरेंस होते हैं उनके अलावा ये चेंज हो जाता है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेनी है। जो रेफरेंस रेंज इधर देते हैं उसके आसपास ही होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। अब हम बात करते हैं मोनोसिट्स के, अगर मोनोसिट्स की बात करें तो ये आपके बॉडी में 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक होनी चाहिए, 2 से 6 तक के बीच में इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको दिखा लेनी चाहिए डॉक्टर को रिपोर्ट, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं ईशोनोफिल्स की, ये आपके बॉडी में नॉर्मली ईशोनोफिल्स 2 से 10 या फिर 1 से 6 इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है इसके अंदर 1 से 6 दी है। किसी किसी लैब जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, लैब जो रिपोर्ट्स को बनाते हैं, उनके डाटास के बेसिस पर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 1 या 2 का डिफरेंस आता है। अब अगर हम बात करते हैं बेसोफिल्स, तो ये बेसोफिल्स अगर ब्लड में नहीं होते भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 या 2 होती है तो नॉर्मल होती है। अब हम बात करते हैं MCV MCH, या सबसे पहले इससे पहले बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की। देखिए प्लेटलेट्स क्या है, जब प्लेटलेट्स एक अपनी बॉडी का एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी पेशेंट को कम होता है, प्लेटलेट्स की शिकायत होती है, जैसे किसी आपने सुना होगा डेंगू हो गया पेशेंट को, कई यूट्यूब पर वीडियोस ऐसी डली हुई हैं जहां पर बताया गया है कि प्लेटलेट्स कम हो गई यानी कि आपको डेंगू हो गया। फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके अंदर बिना डेंगू के प्लेटलेट्स नीचे आ जाती है यानी कि कम हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आपको डेंगू है या नहीं है। देखिए डेंगू के साथ में हमेशा फीवर आता है, बॉडी पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, या फिर उसको सर में दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, ठीक है, हाथ पैरों में दर्द, इतना दर्द होता है कि उसको ऐसा लगता है कि किसी क्रशिंग टाइप का टूटने जैसा हड्डियों में दर्द होता है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो हम एक बार सोचते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है या नहीं है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स पेशेंट के कम नहीं है तो हम नहीं सोचेंगे कि उसको डेंगू है या नहीं है। दूसरा, डेंगू पेशेंट को ऐसे नहीं होता है, नॉर्मली हर किसी को पेशेंट नहीं डेंगू नहीं होता है, 100 में से केवल 2 केसेस ऐसे होते हैं जिनको डेंगू होने की शिकायत या संभावना होती है। बात करते हैं अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती तो क्या हो सकता है, अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो डेंगू हो सकता है, या फिर आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग का काम करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। जैसे आपको कभी चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स तो वहाँ पर बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो प्लेटलेट्स वहाँ पर आएगा, फिब्रिनोजेन जो इसके जो एनालिटिक्स जो तत्व होते हैं वो उस जगह पर आएंगे जहाँ पर आपको लगी है, और वहाँ से ब्लड को निकलने को बंद करते हैं यानी कि आपको ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, देखिए प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी में ब्लड बड़ी जल्दी से जमने लगेगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमने जाना प्लेटलेट्स के बारे में, अब हम जानते हैं हीमोक्रिट्स के बारे में यानी पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, पीसीबी आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि इसके अंदर हीमे जो आयरन है वो कितना है, आयरन का जो वॉल्यूम है वो कितना है, या फिर जो RBCs का जो साइज है उस हिसाब से कितना है। तो फ्रेंड्स देखिए जब आयरन अगर बॉडी में कम होगा तो जो सेल्स है RBC उसका साइज बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम PVF के माध्यम से बात करते हैं, पेरिफेरल फिल्म के माध्यम से बात करते हैं, जिसमें आपके MCB, MCH और MCHC इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। ये रिपोर्ट्स फ्रेंड्स एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप शायद इस वीडियो में बोर हो जाएं, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में
डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी।